है वेलकम एवरीवन। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त बेटिंग शो देखने को मिलने वाला है। सामने वैसे गोल्ड 3 रैंक ओपोनेंट है, तो वो भी ठीक ठाक बोलिंग तो करेगा, बट हाँ, इसमें आपको बहुत अच्छे खासे शॉट्स देखने को मिलेंगे जो कि बिगिनियर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो चलो करते हैं शुरू। तो पहला बॉल है यहाँ पे ओपोनेंट ने शुरू कराया बॉलिंग आई बटलर के साथ में, और इसको खेलने में काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। तो ये जो मैं शॉट खेल रहा हूँ वो है 4-3-1 गोल्ड शॉट है, बड़े ही आराम से वो खेल सकते हो। वैसे ये 2-7-6 मिस हो गया क्योंकि यहाँ पे मैंने ठीक से पोजीशन नहीं करी थी। अब नेक्स्ट बॉल फिर से एक बार ट्राई करेंगे 2-7-6 का। भाई यार ठीक से पोजीशन फिर से नहीं करी है क्योंकि इसका जो गेंद है वो बहुत ज़्यादा घूमता है भाई, क्योंकि मलिंगा एक्शन बॉलर है ये। तो अब इस बार हम फिर से 4-3-1 खेलेंगे और एक और बार मारेंगे चौका। नेक्स्ट बॉल यार इस वाली लेंथ पे ना 4-3-1 बड़े ही आराम से लगेगा और एकदम मस्त कनेक्शन बनेगा और छक्का भी मिलेगा। अब नेक्स्ट बॉल पे देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने खेला है 4-1-7, एक स्टेप पे आप आराम से योकर बॉल को खेल सकते हो। अब नेक्स्ट बॉल, अब यहाँ पे फिर से खेलेंगे 4-3-1 और ये जो गेंद है वो 4-3-1 की रेंज से बाहर नहीं जाने वाला अगर स्विंग और रिवर्स हुआ। अब नेक्स्ट बॉलर है यहाँ पे आर चहर। भाई पहले बॉल पे ना गुगली बॉल डाल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं खेलूँगा 4-4-3 क्योंकि पीछे कोई फील्डर है नहीं और गुगली पे टाइमिंग करना बड़ा ही आसान काम है। अब नेक्स्ट बॉल पे मैंने यहाँ पे खेला है 226 योकर बॉल था, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा दो स्टेप पीछे लेके खेलने के लिए, उससे ज़्यादा बढ़िया शॉट्स है, बट मैं यहाँ पे गेसिंग करके खेल रहा था इसलिए 226 खेल रहा था। एक और बार मैंने वहाँ पे खेल दिया था। अब ये मैंने खेला है 112 भाई, फ्री शॉट है ये, सब बैट्समैन के पास है, तो 112 तो भाई आराम से लगा सकते हो और दोनों पे काम आ सकता है। ये है 281 सिर्फ और सिर्फ रेडिकल और ग्रुट के पास है। अब नेक्स्ट बॉल यहाँ पे फिर से हम खेलेंगे 226, बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। वैसे ये गोल्ड शॉट है, हाँ इसको आपको परचेस करना पड़ेगा, बहुत पुराना गोल्ड शॉट है। अब नेक्स्ट यहाँ पे एम इरफान फास्ट बॉलर। तो इस बार हम पहले तो 4-3-1 से शुरू करने गए, बट ये जो है वो थोड़ा बाउंस ज़्यादा कर गया। अब नेक्स्ट बॉल पे मैं खेलूँगा 494, ये गोल्ड शॉट है, काफ़ी बढ़िया शॉट है ये भाई। पहला शॉट है ना, अगर एकदम नए नए हो गेम में तो सबसे पहले 4-3-1 परचेस करो, उसके बाद 156, और जब तीसरे शॉट परचेस करने की बारी आए ना, तीसरा शॉट, तब 494 के लिए जाओ। अब यहाँ पे जो है वो 58 पे पहला विकेट जा चुका है रन आउट के चलते। अब नेक्स्ट बैट्समैन है ब्रेंडन टेलर, अब यहाँ पे खेला है 147, फ्री शॉट है, बहुत काम का शॉट है, स्पिन और फास्ट बॉलर दोनों पे काम लग सकता है और इसको जो है एकदम फ्री में यूज़ कर सकते हो भाई, सारे बैट्समैन के पास है। और ये तो 4-3-1 वापस से खेल दिया है और इस बार ना पोजीशन कड़क करी थी जिसके वजह से मिस नहीं हुआ है ये। अब नेक्स्ट बॉल पे खेला है 308, फ्री शॉट है, बहुत ही कमाल का शॉट है, बट हाँ अभी जो है ठीक से कनेक्शन नहीं बना। नेक्स्ट बॉल पे फिर से 4-3-1 खेलेंगे, स्लोवर गेस करा था, स्लोवर निकला है और मिलेगा एक और 6। अब 3 ओवर के बाद अपना स्कोर हो चुका है, कितना हुआ है भाई 64 रन, काफ़ी बढ़िया स्कोर कर दिया है। अब यहाँ पे देखो मैं फिर से 147 इसलिए खेला हूँ ताकि ये जो है वो अच्छे से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि ये ऑफ स्पिन बॉल था, ऊपर से विलियम्स का एक्शन ऐसा है कि कन्फ्यूज़न करा देता है। अब यहाँ पे 226 फिर से खेला है और इस बार ना एक ही रन मिलेगा, तो अभी हम 66 पे पहुँचेंगे, 3 ओवर 2 गेंद। अब ये जो गेंद है यहाँ पे मैं खेलूँगा 5-4-2 शॉट खेलूँगा 6 रन के लिए, बढ़िया हिट वहाँ पे। अब नेक्स्ट बॉल पे यहाँ पे खेला है नया आने वाला शॉट 6, अरे ये कौन सा है यार, 640 है ये। अब नेक्स्ट बॉल पे 363 खेलेंगे, वन ऑफ द बेस्ट शॉट योकर के लिए 363, योकर और फुल लेंथ बॉल आराम से इस पर कनेक्ट होते हैं, तो ये शॉट याद रख लो 363 सब बैट्समैन के पास एकदम फ्री। अब नेक्स्ट बॉल पे यहाँ पे खेला है फिर से 640, वैसे ये गोल शॉट है। अब यहाँ पे अपना टोटल स्कोर हुआ है 4 ओवर के बाद 81 रन, काफ़ी बढ़िया स्कोर कर दिया है 4 ओवर में, और अब लास्ट ओवर जो है वो लेग स्पिनर की है। अब यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम 308 के साथ, बढ़िया हिट,
और यहाँ पे अपने बैट्समैन की 50 हो गई, वो भी सिर्फ 13 बॉल में, बहुत ही ज़बरदस्त 50 हुई है। अब उसके बाद यहाँ पे दो रन निकाले, 89 पे पहुँचेंगे हम। दो रन लेने की एक ही वजह, क्योंकि एक तो राइट हैंडर बैट्समैन है और भाई गेसिंग तो होगी नहीं। अब यहाँ पे यार 5-10 खेलना भारी पड़ गया, गुगली था वैसे, कनेक्शन बनता है, गोल शॉट है, बट दिक्कत ये थी कि ठीक से यार बना नहीं कनेक्शन, सीधा ही फील्डर के हाथ में गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे ब्रेविस, अब चलो देखते इस वाले गेंद पे क्या हो सकता है। फिर से 5-10 खेला है, बट इस बार भी बच गए भाई, अच्छा हुआ, एटलीस्ट दो रन ले लेंगे हम। 91 पे पहुँचेंगे, 4 ओवर 4 गेंद, 91 रन 2 विकेट, फिर से गुगली कर रहे हैं भाई। इतनी गुगली करेंगे तो एक बार तो भाई अपने चंगुल में फंसेंगे। तो 4 ओवर 5 गेंद, 97 रन 2 विकेट। अब इस वाले गेंद पे 226 एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ खेला था, बट यार मेलबोर्न में कम जाते हैं क्या परफेक्ट कैच, जो यहाँ पे भी जा रहे हैं। अब यार मेलबोर्न पे तो जाते ही जाते हैं परफेक्ट पे कैच, ससुराब वानखेड़े पे भी जा रहे हैं। अब चलो देखते हैं आगे। तो 5 ओवर के बाद हमने 97 रन करे और अब जो है वो मैसिव विक्ट्री लाने की बारी है। बेहतरीन सी बॉलिंग करेंगे, वैसे पहली ओवर स्टार्ट करेंगे शॉन विलियम्स के साथ, पहले ही बॉल पे करेंगे कैरम बॉल। देखो फील्ड मैंने कैसी लगाई है, देख लो ये वाली जो फील्ड है ना, ये काफ़ी रिस्की फील्ड है। हाँ अगर देखो ओपोनेंट छा गया भाई तो फिर धो डालेगा, बाकी अगर गेसिंग नहीं हुई ना तो बड़े से बड़ा क्राउन रैंक ओपोनेंट भी होगा ना तो भी धराशायी हो जाएगा। देखो पहली विकेट मिल चुकी है, 2 रन पे 1 विकेट मिलेगी, जेसन रॉय आउट। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कौन लेके आता है भाई, किसको लेके आता है। तो डसन को लेके आए हैं। वैसे टीम की इसकी बात करें ना तो इसकी टीम बहुत बढ़िया थी भाई, टीम इसकी बहुत बढ़िया थी और इसको हमने चकमा दे दिया बड़े आराम से, क्योंकि देखो टारगेट इतना होता है ना तो बड़े से बड़ा प्लेयर हिल जाता है, क्योंकि ये 98 का टारगेट जब दिखता है ना तब जो है वो बैटिंग रोकने का मन नहीं करता। अब देखो ये भी बार बार लोफ्टेड, हर बार लोफ्टेड शॉट खेल रहा है, एक और बार एक और विकेट, तो ये तो आते ही गया भाई, 2 रन पे 2 विकेट चली गई। अब लास्ट गेंद बचा है ओवर का, तो चलो एक बार कर लेते हैं दूसरा, क्योंकि बार बार तो कैरम नहीं करेंगे, एक और विकेट यहाँ पे धराशायी। तो 2 रन पे 3 विकेट मिल चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग पहली ओवर में। अब देखते नेक्स्ट बॉलर लाते ये इस्लाम को, और इसका भी भाई कैरम दूसरा, दोनों वेरिएशन इसके पास भी है तो बड़े आराम से खेल सकते हैं हम। और यहाँ पे लकी रहे, एक और विकेट हो सकता था, बट ये जो फील्डर है वो काफ़ी दूर रह गया। तो एक और एक गेंद, 4 रन 3 विकेट। नेक्स्ट बॉल पे टॉप स्पिन करा है, जिस पे भाई संभाल के खेल दिया है 4 रन भाई, 494 खेला है, मतलब गोल्ड शॉट्स तो काफ़ी है ओपोनेंट के पास भी। अगर ओपोनेंट के पास इतने गोल्ड शॉट है तो ओपोनेंट प्लेयर अच्छा हो सकता है। एक और बार देखो 494 खेल दिया। अब नेक्स्ट बॉल कैरम करा और कैरम पे भी ससुरा 494। अबे यार क्या बात है भाई, कैरम पे भी 494 कौन मारता है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट बॉल, वैसे दूसरा पे ये देखो, ये भी गोल्ड शॉट भाई, गोल्ड शॉट तो बहुत है, एक और विकेट जाएगी इसकी। 308 की जगह पे ये शॉट लगा रखा है भाई ने, तो गलती तो हो गई है इनसे, क्योंकि 308 भले ही फ्री शॉट है बट इससे तो अच्छा है भाई। अब नेक्स्ट बॉल पे कैरम करा और ये भी मिस होगा। अब नेक्स्ट बॉलर हम लेके आएंगे वरुण चक्रवर्ती, लेग स्पिनर है, तो शुरुआत कर देते हैं। चलो 16 रन पे 4 विकेट जा चुकी है इनकी, लास्ट ओवर में थोड़े बहुत इनके रन बन गए। अब वैसे यहाँ पे फिर से विकेट आएगी, 2 ओवर 2 गेंद, 16 रन पे 5वां विकेट भाई, बहुत सारे विकेट दे दिए हैं यहाँ पे ओपोनेंट ने, आधी टीम को ख़त्म कर दिया है भाई। अब नेक्स्ट यहाँ पे कॉलिन बैनक्रॉफ्ट, तो अभी बैट्समैन तो इनके पास बचे हैं बहुत, और ये गलती कर बैठते अगर ये डंडे में जाता है गेंद, बच गया भाई, वैसे वो फ्री शॉट था। यहाँ पे एक और विकेट, ये क्या कर दिया, सारा मूड ख़राब कर दिया भाई कैच छोड़ के। 2 ओवर 4 गेंद, 18 रन 5 विकेट, और ये विकेट मिलेगी भाई, ये विकेट मिलेगी 18 रन पे 6वां विकेट, और ये तो स्ट्रोक खेलते खेलते लग गया भाई इसके, तो एक और विकेट मिल गई। तो अभी नेक्स्ट यहाँ पे बैट्समैन है आर चहर, टॉप स्पिन बॉल करा है पर इस बार लगेगा नहीं बल्ले पे। आई बटलर है फास्ट बॉलर, अब यहाँ पे स्ट्रेट बॉल करा है पहला बॉल, और ये देखो ये कर दी ना गलती, लगता है इसको पता नहीं था कि हम योकर भी करते हैं, तो योकर अचानक से आ जाएगा तो भाई
कभी कभी कुछ ओपोनेंट होते हैं ना, वो बौखला जाते हैं, क्या करे क्या ना करे कुछ पता नहीं चलता उन लोगों को, तो विकेट दे बैठते हैं। फिर इस बार आउट स्विंग कराए, इस बार तैयार थे वही योकर के लिए, तो यहाँ पे 2 रन के लिए जा सकते हैं बड़े आराम से। 20 रन 7 विकेट 3 ओवर 2 गेंद। भाई एक और बार आउट स्विंग करेंगे, यहाँ पे फिर से एक ही रन जाएगा, 21 रन 7 विकेट 3.5 ओवर के बाद। अब नेक्स्ट बॉल फिर से स्ट्रेट बॉल कराए, अब यहाँ पे फिर से जाएंगे 2 रन, बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से विकेट आ सकता है, ये गलती कर दी है इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त फील्डिंग अपनी टीम द्वारा, फाइनली 22 रन पे 8वां विकेट गिरा दिया है। तो 3 ओवर 4 गेंद 22 रन 8 विकेट, अब लास्ट ओवर का गेंद बचा है और इस ओवर के तो सिर्फ 2 गेंद बचे हैं, जो मुझे लगता है बड़े आराम से निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पे फिर से इन्होंने स्ट्रोक शॉट खेला है जो कि सिर्फ एक ही रन ला के देगा, तो 23 पे पहुँचेंगे। अब नेक्स्ट बॉल आउट स्विंग कराए, देखते इस बार क्या खेलते हैं। तो ये भी कुछ खास कनेक्शन नहीं, तो अभी क्लेनवेल्ट की बारी है यहाँ पे बैटिंग करने की, बॉलिंग करने की, और सामने है यशिर शाह और आई बटलर। अब देखते हैं, आउट स्विंग बॉल पे यहाँ पे स्ट्रोक खेला है, और मेरे ख्याल से अब लास्ट के 2 विकेट है ना, तो ये स्ट्रोक ही खेलेंगे, क्योंकि अब तो जितना हो सके उतना कम रन से हारने की कोशिश होगी इनकी, जितना बच सकते, क्योंकि ज़्यादा रनों से तो वाट लगनी ही लगनी है, तो बहुत ज़्यादा रैंक माइनस हो सकने का चांस है, बट मुझे नहीं लगता कि इतना भी माइनस होगा। अब देखते आगे, आउट स्विंग बॉल है और यहाँ पे फिर से बॉडी पे लगी है गेंद, 26 रन पे 8 विकेट, एक मैसिव विक्ट्री मिलने वाली है हमको, अब मैसिव विक्ट्री, बहुत बड़ी विक्ट्री यहाँ पे मिलेगी, वो भी गोल्ड 3 के सामने। यहाँ पे एक और विकेट, फिर से भारी गलती, 2 बार रन आउट हुए हैं यहाँ पे, तो 4 ओवर 4 गेंद, और ये 9वां विकेट था, अब लास्ट विकेट बचा है। अब 2 गेंद के लिए भी हमने इसके विकेट निकाल लिए, अब लास्ट विकेट देखते हैं भाई ऑल आउट होते हैं कि नहीं होते है। तो चलो इरफान आ चुके हैं अब बैटिंग पे, तो अब तो कुछ बल्लेबाजी में दम है नहीं, बस ऐसे ही 2 गेंद जो ऐसे ही फेंक देने हैं बस। ये भी एक तो बॉडी पे लग गया, अब लास्ट गेंद का खेल है। चलो योकर डाल के देख लेते हैं आउट होता है कि नहीं होता है। ओहो हो, फिर से गोल्ड शॉट, गोल्ड शॉट तो बहुत है भाई इसके पास। चलो बाकी भाई वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, टेक केयर, बाय।